वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ KTM 390 एडवेंचर। आज आप इस वीडियो में इस बाइक के बारे में टोटल डिटेल जानने वाले हो, इस बाइक का क्या माइलेज है, इसमें क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं KTM कंपनी द्वारा, और इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, और साथ में इसका इंजन साउंड भी मैं आपको इस बाइक का सुनाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें बाइक से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। तो फटाफट करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, तो बने रहिए इस वीडियो में। ऑलराइट दोस्तों, आपके सामने पेश है न्यू KTM ड्यूक 390 एडवेंचर। आप देख सकते हो ये अभी पटना के शोरूम में ये बाइक अवेलेबल हो चुकी है। बात बाकी मैंने शोरूम का नंबर और डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप कॉल करके यहाँ विजिट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद KTM बाइक इस शोरूम से परचेज करके आप अपने घर लेके जा सकते हैं। तो और आपको मैं एक जानकारी मैं दे दूँ, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको अगर आप बाइक को एडवांस पेमेंट या फुल पेमेंट करके आप परचेस करोगे तो आपको बाइक उसी दिन आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, कम से कम आपको एक हफ्ता का टाइम लगेगा, क्योंकि बिना INDI नंबर के कोई भी शोरूम आपको बाइक डिलीवर नहीं देगा सेम डेट में। तो इस बात को आप ध्यान में रख के शोरूम आएँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप फ्रंट का इसका डिज़ाइन आप देख लीजिए। फ्रंट का जो इसका जो हेडलाइट डिज़ाइन है आपको जो देख रहे हो, इसमें फुल्ली आपको LED हेडलाइट मिलता है, ऊपर की तरफ आपको DRL लाइट्स LED मिलते हैं, और इसका जो मेन हेडलाइट है वो देख लीजिए, फुल्ली फंक्शनल LED हेडलाइट इसमें आपको मिलता है, और इसके हेडलाइट के ठीक ऊपर आपको विंडशील्ड मिलती है फाइबर में, आपको वाइट कलर में ये विंडशील्ड लगी हुई मिलेगी। बात बाकी आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। नीचे की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, नीचे की तरफ आपको 320mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, प्लस इसमें आपको कॉर्निंग ABS भी दिया गया है, और इसके जो ब्रेक के जो कैलिपर्स हैं आप देख सकते हैं, बाइब्रेक के इसमें ब्रेक के कैलिपर्स लगाए गए हैं, और ये रहा इसका एपेक्स कंपनी का WP अप्स एंड डाउन फोक्स। माफ़ करना मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसका जो मडगार्ड है वो कवर किया हुआ है, और इसका जो मडगार्ड का जो फिनिश है इस पर आपको मैट ब्लैक कलर का फिनिश इसके मडगार्ड पर आपको देखने को मिलेगा, और ये देख लीजिए अप्स एंड डाउन फोक्स है। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ पे आपको ये जैसे कहते हैं हैंडल गार्ड, आपको हैंडल गार्ड लगे हुए मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ओरिजिनल KTM वाले हैं ये हैंडल गार्ड। और ये देखिए इसके हेडलाइट के साइड बाय साइड आप लुक देख सकते हो किस प्रकार इसका हेडलाइट इंस्टॉल किया गया है, ये देखिए। बॉडी ग्राफिक्स की बात की जाए तो इसमें आपको इसके फ्यूल टैंक कावल पे आपको 390 की ब्रांडिंग आप देख सकते हो वाइट कलर में, इसके फ्यूल टैंक कवर के कावल जो है साइड बाय साइड इसमें आपको 390 की ब्रांडिंग आपको स्टिकर फॉर्म में की हुई मिलेगी। बात बाकी इस पे जो भी स्टिकर है वो आपको ऑरेंज कलर में आपको इसमें स्टिकर फॉर्म में लगे हुए मिलेंगे। ये जो पैनल लगाया गया है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश आपको इसमें पैनल लगा हुआ मिलेगा, और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवेंचर, ठीक है, इसके पैनल के ऊपर एडवेंचर आपको दोनों साइड लिखा हुआ मिलेगा। और पीछे की तरफ आइए, ये देखिए ये रहा इसका बैक सीट कॉवल, बैक सीट कॉवल का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा इसका बैक सीट कॉवल, और इसके ऊपर ये रहा ग्रेब हैंडल जिसे हम पिलियन ग्रेब हैंडल भी कहते हैं। इस बाइक पे आप अपने पैनियर स्टॉप अप बॉक्स जो भी होते हैं इस पर आप माउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टिकरिंग कंपनी ने की है ऑरेंज और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ। पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पीछे की तरफ इसका जो टेल लाइट सेक्शन है वो आपको LED टेल लाइट सेक्शन आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो पटना में ऑन रोड प्राइस है KTM ड्यूक 390 एडवेंचर का वो पड़ेगा पटना में 360,805 रुपया, और इसका जो फ्रंट का टायर है आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग के लिहाज से इसे डिज़ाइन किया गया इसके टायर को, और इसका जो फ्रंट में जो टायर साइज है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 190/19 का आपको फ्रंट में इसका टायर मिलता है, और इसमें जो टायर है आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलता है, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ट्यूबलेस टायर इसमें मिलता है। ये रहा इसका फाइबर का जो प्रोटेक्टर आप कह सकते हैं, यहाँ पे कवर लगाया गया है इसके इंजन के साइड बाय साइड, और इसमें आपको लेग गार्ड इस प्रकार मिलता है जैसे कि आप जेना का लेग गार्ड लगाते हो ना उसी टाइप का इसमें लेग गार्ड इसमें लगा हुआ मिलता है। और ये रहा इसका एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म, और इसमें साड़ी गार्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल करके कंपनी ने दिया है। और ये देखिए बैक में आपको सस्पेंशन मिलता है WP एपेक्स का, आपको मोनो सस्पेंशन इसके बैक में लगा हुआ मिलेगा। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये देखिए इस तरफ से आइए, इसमें आपको पीछे की तरफ जो आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 230 mm का मिलता है, ये देख लीजिए 230 mm का इसमें आपको बैक ब्रेक मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको डुअल चैनल प्लस इसमें आपको कॉर्निंग एबीएस के साथ इसका ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। और यहाँ पे इसका जो बैक टायर साइज है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसका जो बैक टायर साइज है 130/80/17 का बैक टायर इसमें आपको मिलेगा। और ये देखिए ये रहा इसका साइलेंसर, साइलेंसर कुछ इस प्रकार इसमें लगाया गया है। इसका साइलेंसर का आप डिज़ाइन देख सकते हो। और साइलेंसर में आपको दो कलर टोन मिलता है, ये अल्मीनियम वाइट और मैट कलर फिनिश, इसमें आपको ब्लैक मैट कलर फिनिश इसके साइलेंसर पे आपको इस पर किया हुआ पेंट जॉब मिलेगा। तो बहुत हुई बात, अब इस चीता को स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाते हैं। ये देखो और दोस्तों अब मैं आपको इस बाइक की इंजन की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। KTM कंपनी ने इस बाइक में लगाया है 390cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल फोर वेल फ्यूल इंजेक्टर विथ DOHC BS6 इंजन इसमें आपको लगा हुआ मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर इसका जो इंजन प्रोड्यूस करेगा वो आपको 43.5 PHP एट द रेट ऑफ 9000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क जो इसका इंजन जनरेट करने वाला है वो है 37 Nm टॉर्क 7000 RPM पे। और मैं आपको इसका इंजन का दूसरे साइड वाला लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा इसका इंजन का दूसरे साइड का लुक, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ गियर इसमें आपको 6 मिल जाते हैं। और इसका जो कूलेंट का जो बॉक्स है इस तरफ आपको इंजन के इसके दूसरे साइड आपको मिलेगा। दोस्तों इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 162 kg इस बाइक का वजन है, और ओवरऑल लेंथ इस बाइक का 2154 mm इसका लेंथ है, और ओवरऑल हाइट इस बाइक का 1400 mm इसका ओवरऑल हाइट है, और ओवरऑल वीड इस बाइक का 900 mm ओवरऑल वीड इस बाइक का आएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm का है। दोस्तों इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है 855 mm का आपको इसमें सीट हाइट मिलेगा। इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको 14.5 लीटर का है, और इसका जो माइलेज है, इसका जो माइलेज आउटपुट आएगा अराउंड आप 20 से 25 के बीच का आप इसका माइलेज आपको ये बाइक दे देगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका इंजन बेली पेंट माउंट किया गया है, इंजन बेली पेंट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे कैटलेटिक कन्वर्टर है, ये देखिए अंदर की तरफ पे, और रेडिएटर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, कर्व डिज़ाइन देख सकते हैं, ये देखिए। और अलॉय व्हील जो आप देख रहे हो ना, इसका अलॉय व्हील का आप डिज़ाइन देखिए, ये देखिए अलॉय व्हील का डिज़ाइन। ये फ्रंट है और ये बैक आप देख लीजिए, मतलब कि अगर हिमालयन से कंपेयर करें KTM ड्यूक 390 एडवेंचर को तो भाई मॉडल में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मॉडल देखा जाए तो दोनों का कोई कंपेयर ही नहीं है। हिमालयन अपनी कैटेगरी की गाड़ी है और KTM ड्यूक 390 एडवेंचर अपनी कैटेगरी की गाड़ी है, बोले तो दोनों अपने अपने फील्ड का चीता है बॉस, समझे ना। इंडिकेटर्स आपको इसके फ्रंट और बैक में एज यूजुअल आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो KTM कंपनी है बॉस, तो हर चीज़ इसमें LED ही मिलेगी। और अब मैं आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको मीटर की जो जानकारियाँ होती हैं मैं आपको दे देता हूँ, और यहाँ पे जो मैनुअल सेटिंग है वो अभी पढ़ना भाई कर रहे हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके TFT डिस्प्ले में आपको क्या क्या मिलता है, ये देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप सेटिंग में गए और मोटरसाइकिल है, ट्रिप्स एंड डेट, KTM माई राइड, ऑडियो, नेविगेशन, पेयरिंग, इसमें आप अपने फ़ोन को इससे पेयर करके आप कॉल्स वगैरह भी रिसीव कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, साथ में आप इसमें नेविगेशन वगैरह भी कर सकते हैं। मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, और इसका जो मीटर है ना, इसका हुआ KTM ड्यूक 390 का हुआ, वो वाली KTM ड्यूक 390 हुआ, फिर KTM ड्यूक एडवेंचर 390 हुआ, इसका जो डिस्प्ले है मीटर डिस्प्ले, वो आपको TFT मीटर डिस्प्ले मिलता है। अभी मैं इसमें अपने फ़ोन का, ये देख लीजिए अपने फ़ोन का, नोकिया का फ़ोन है, अपने फ़ोन का इसमें ब्लूटूथ इसमें पेयर करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ है, ये मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, स्कैनिंग कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए देखिए मेरे नोकिया का नाम आ गया, नोकिया 7.1 आएगा, देखिए पेयरिंग का मैसेज आया ना, पेयर, मतलब कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। देखिए पेयर हो चुका, सक्सेसफुल कनेक्टेड,
मतलब कि फ़ोन कनेक्टेड हुआ है। अब पन्ना भाई इस पर कॉल करेंगे, देखिए कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कॉल आता हुआ दिखाई देगा TFT डिस्प्ले पे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आया, ये देखिए फ़ोन आ रहा है ना, रिसीव करना है कॉल तो यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं सेट बटन से, ठीक है ना। फिर कट करना, कट करके दिखाइए, तो किसे कट किया, इससे कट किया, इससे रिसीव होगा, देखिए सेट से रिसीव होगा और इससे कट होगा। तो आपने देखा मैंने अपने नोकिया 7.1 को इसमें पेयर किया और पेयर करके यहाँ पे कॉल आया। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब आप बाइक को राइड पे ले जा रहे हो तो आपका फ़ोन वगैरह आ रहा है, तो इस चीज़ को आप आराम से इसके TFT डिस्प्ले में आप देख सकते हो। इसमें नेविगेशन भी दिया हुआ है, इसमें आपको नेविगेशन का भी सिस्टम है ऑन ऑफ करने का। और दोस्तों इसमें आपको जो ABS है वो आप मैनुअल सेटिंग के द्वारा ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें डिस्प्ले थीम भी आपको मिल जाएगा, शिफ्ट लाइट भी मिल जाएगा, क्लॉक डेट यूनिट्स देख सकते हैं, लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात तो लैंग्वेज की होती है कि यहाँ पे आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा फंक्शन में जाओगे MTC और CABS, यानी सी मतलब होता है कॉर्निंग ABS, कॉर्निंग ABS का भी यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्निंग ABS यहाँ पे दिया हुआ है देख। और इसके स्विचेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको मैनुअल सेटिंग के लिए आपको 4 स्विच यहाँ पर दिए हुए मिलेंगे, और यहाँ पे देखिए इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच, और ऊपर की तरफ आपको पास लाइट स्विच यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। दूसरी साइड आपको इंजन किल स्विच मिलता है, आप देख लीजिए, और रेड कलर में, और नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट का बटन। और दोस्तों अभी आपने स्विचेस तो देख लिए, इसमें आपको एक और चीज़ मिल जाता है, ये देखिए ये इसका क्लच है, और इसमें क्लच भी आपको एडजस्टेबल मिलता है। इसमें आपको आफ्टर मार्केट क्लच लीवर आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लच आपको एडजस्टेबल मिल ही गया, तो उसके साथ साथ KTM कंपनी ने एडजस्टेबल ब्रेक लीवर का भी ख्याल रखा है। आप देख सकते हैं इसमें एडजस्टेबल ब्रेक लीवर भी आपको मिल जाएंगे। मशीन और एक इंसान का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही गहरा रिश्ता होता है और बहुत ही हार्ट टू हार्ट टच वाला रिश्ता होता है, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो कुल मिला के यही हिसाब किताब है, और आपने देखा इस पूरे वीडियो में कि KTM Duke 390 एडवेंचर का ऑन रोड प्राइस क्या है, इसमें क्या क्या आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अभी पटना में पड़ रहा है। अगर आपको ये बाइक अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में भर भर के KTM के बारे में प्यार बरसा सकते हैं। और अगर आपको ये बाइक परचेज़ करना है या फिर KTM की कोई भी मोटरसाइकिल परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस शोरूम का नंबर और एड्रेस दे रखा है। अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार के अन्य ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप इस शोरूम पे विज़िट करके बाइक परचेज़ कर सकते हैं या फिर बुक भी कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको KTM Duke 390 एडवेंचर के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं वो मैंने इस वीडियो में पूरी कवर करने की कोशिश की है। कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ कर देना अपने भाई को। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दो इस भाई को इजाज़त, लिव फ्री, राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड।